आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड करना स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें पार्ट 6 पार्ट से रखे हैं, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इज 3 - 4/5, इसका हम स्क्वायर रूट दैट इज दिस, इसको मैं लेट कर लेती हूँ x प्लस आई वाई के इक्वल। तो अगर मैं अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँ दैट इज 3 - 4i इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 4i इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करूँगी तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 - 4i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2xy आई। तो दैट इज 3 - 4i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आई स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। अब हमें पता है कि ये रियल पार्ट है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, तो मैं इक्वेट कर सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। और क्या इक्वेट कर सकती हूँ कि 2xy जो है वो इज इक्वल्स टू है -4 के इक्वल। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे -2 दैट इज प्लस 4xy। ठीक है, इसके इक्वल होता है, सॉरी ये इक्वल होता है प्लस 2xy का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आई हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर दैट इज 3 - 9 माइनस 4 - 4 यहाँ पे 16। ठीक है, यहाँ पे प्लस सॉरी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 25। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई प्लस माइनस ऑफ 5। तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5 होगा। अब अगर ये दोनों टर्म जो है स्क्वायर में है और ये नेगेटिव वैल्यू दे रही है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 और मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज कैंसिल और ये 2xy इज इक्वल्स टू 8 दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू ±2। अगर x मेरे पास ±2 आ गया तो y को देखो, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो एक्स स्क्वायर ±2 है तो +2 होगा तब भी 4, एक्स का होल स्क्वायर इज 4 और -2 होगा तब भी 4 दैट इज 4 - y² इज इक्वल्स टू 3। 3 - 4 इज -1 दैट इज y² इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू ±1। तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आई है +2 और y की +1 दैट इज +2 +1 आयोटा दैट इम्प्लाइज ± कॉमन 2 + i। तो ये मेरा इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज 4 + 6 आयोटा √5, मैं लिख सकती हूँ √5 आयोटा। तो उसका हमें स्क्वायर रूट लेना दैट इज x प्लस आई वाई के अगेन इसको इक्वलेट करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो 6 + √5i इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। तो 4 + 6√5i किसकी इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और 2xy इज इक्वल्स टू 6√5 दैट। ठीक है, अब देखो अब मेरे पास क्या है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस जो प्लस वाई स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 4 दैट इज 4 - 4 = 16 और 6√5 दैट इज 6√5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 6 × 6 = 36 × 5। तो × 5 हो गया 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 16, 17, 18 that is 180. और अगर यहाँ पे देखें तो देखो 6, 9, 196. ठीक है, मेरे पास 196 आ गया. तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया? अगर मैं अंडर द रूट 96 लूँगी तो दैट इज प्लस माइनस ऑफ 14. तो माइनस नहीं हो सकता, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14. और मेरे पास यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. इसको कैंसिल करूँगी, दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18. दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. एक्स स्क्वायर मेरे पास प्लस माइनस 3 आ गया. अब अगर मैं इसमें पुट करूँ तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरे पास 9 है, तो 9 पुट करूँगी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14. ठीक है, तो मेरे पास वाई स्क्वायर क्या आ गया, 14 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 5. तो मेरे पास वाई क्या आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 5. तो देखो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो प्लस माइनस 3 आया है और ये प्लस माइनस रूट ऑफ 5 आयोटा यही है. तो अगर मैं प्लस माइनस यहाँ पे कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 3 प्लस रूट ऑफ 5 आयोटा. दिस इज द आंसर. अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया. थर्ड पार्ट इज माइनस ऑफ आई. थर्ड पार्ट इज माइनस ऑफ आई. इसका स्क्वायर रूट लेना है. तो देखो इसका स्क्वायर रूट लेना है तो अगेन अगर मैं इसको एक्स प्लस आई वाई लेट करूँ, दोनों का स्क्वायर लो तो दैट इज माइनस आई. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा. हमने दोनों पार्ट्स में सॉल्व किया है अभी ऊपर. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि ये 0 माइनस ऑफ आई तो रियल पार्ट इज 0 एंड 2xy इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इसका होल स्क्वायर होता है दैट इज 0 का होल स्क्वायर इज 0 और प्लस इसका होल स्क्वायर दैट इज 1. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. इसका अंडर रूट 1 और यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आया है, 0. तो दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2. ठीक है, और y मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर मेरे पास 1/2 है, अगर मेरे पास 1/2 है तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2. तो y भी मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 1/2. तो यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 आए. अब यहाँ पे अगर मैं प्लस माइनस 1/2 कॉमन ले लूँ तो दैट इज 1 प्लस आई. दिस इज द आंसर. नाउ थर्ड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट भी हो गया, फोर्थ पार्ट इज 8i. दिस एम्प्लाइज फोर्थ पार्ट इज 8i का अंडर द रूट अगर मैं लूँगी तो दैट इसको भी x प्लस आई वाई, 8i का स्क्वायर रूट दैट. तो यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूँ तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy. तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड 2xy मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 8. तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर दैट इज 0 और इसका स्क्वायर दैट इज 8. इट्स 64. तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 8. और मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या इज इक्वल्स टू 0. तो दैट इम्प्लाइज ये कैंसिल और 2x स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, 8. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. अब यहाँ से देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 है तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है मेरे पास प्लस माइनस 2. तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू वाई. तो मेरे पास y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2i दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 कॉमन दैट इज 1 प्लस आई. दिस इज द आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट अगर हम करें तो फोर्थ हो गया माइनस 7 प्लस 24 आए. माइनस 7 प्लस 24 ऑफ आई. तो इसका स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो अगेन x प्लस आई वाई के इक्वल, तो दैट इज -7 प्लस 24, दोनों साइड होल स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7 और 2xy इज इक्वल्स टू 24। मुझे पता है कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर, और माइनस में है तो माइनस माइनस पॉजिटिव, स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, और 24 का स्क्वायर इज 576, ठीक है। तो मैं अगर 576 में प्लस कर दूंगी तो ये पे मेरे पास कितना आ जाएगा 625, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 625, दैट इज 25, ठीक है। और मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे पास क्या है इज इक्वल्स टू -7, तो ये कैंसिल, ठीक है। और मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, एक्स इज इक्वल्स टू ±3। और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7 -9, तो 7 प्लस 9 है 16, तो वाई मेरे पास क्या गया ±4। तो x मेरे पास यहाँ पे क्या आया ±3 और y मेरे पास क्या आया ±4 आए, तो यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन, 3 + 4 ऑफ आई इज द आंसर। अब हम 6th पार्ट करते हैं, यहाँ पे 5th पार्ट भी हमने कर लिया, लास्ट पार्ट इज -24 -10 ऑफ आई, -24 माइनस ऑफ 10 आए, यही है, चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस, हाँ माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ 10 आए। इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, इसको भी एक्स प्लस आई वाई के, दोनों आई वाई के इक्वल नेट करते हैं, दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो -10 -24 एज इट इज़, और इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई आ जाएगा, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -24, ठीक है। और यहाँ पे 2xy इज इक्वल्स टू -10, तो मेरे को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 24 × 24, दैट इज़ 576 प्लस इसका स्क्वायर 10 × 100, दैट इज़ 676, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर द रूट, इसका अंडर द रूट होता है 26 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 26, और क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू +2, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू ±1, एक्स मेरे पास +1 आ गया, तो 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -24, दैट इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू ±5, तो +1, ये वैल्यू क्या आ गई +1, और +5 और 5, दैट इम्प्लाइज प्लस माइनस कॉमन, 1 + 5 इज़ द आंसर। तो मैंने मेरे सारे पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर लिया, हमने 6 पार्ट भी सॉल्व कर लिया, हमने सबका स्क्वायर रूट निकाल लिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।